Assalamualaikum students, how are you? I welcome to all of you in another video lecture of Skylark Science. Students, ये हमारा Skylark Science Book 1, Unit 2, Characteristics of Living Things का lecture number 1. So in this lecture we will learn about characteristics of living things. कि जो living things हैं उनकी जो खासियत हैं, उनके बारे में discuss करेंगे. सो देर आर फाइव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स की जो पांच खसूसियात होती हैं, फर्स्ट वन इज मूवमेंट, के वो मूव कर सकते हैं. सेकेंड वन ग्रोथ, क्योंकि ग्रोथ होती है, बढ़ती हैं वो. रिप्रोडक्शन, कि वो अपने जैसे नए जानदार पैदा कर सकती हैं. एंड नीड्स ऑफ लिविंग थिंग्स, के उनकी कुछ ज़रूरियात होती हैं, उन्हें खाने की ज़रूरत होती है, हवा की ज़रूरत होती है. एंड देन उनकी हाइट होती है, कुछ शेप होती है, और उनके डिफरेंट कलर्स होते हैं. सो आज का जो लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे मूवमेंट को. सो प्लीज ओपन पेज नंबर 5 फॉर रीडिंग. हरी अप. फाइन. सो रीड एंड लर्न बिलो पैराग्राफ. और वो क्या है? मूवमेंट. मूवमेंट, लिविंग थिंग्स मूव ऑन देयर ओन. फॉर एग्जाम्पल, मैन, फिश, हॉर्स and mouse can move from one place to another. Plants move upward and downward. Living things cannot move on non-living things cannot move on their own. They can move with the help of force. तो सूरज, जो जानदार अशिया होती हैं वो अपनी मर्जी से मूव कर सकती हैं, जैसे कि इंसान हैं, मछलियां हैं, घोड़े हैं, तोता है, चूहा है, ये सब अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं, एक जगह से जगह जा सकते हैं. प्लांट हैं, वो भी ऊपर की तरफ मूव करते हैं, नीचे की तरफ मूव करते हैं, लेकिन वो अब एक जगह से दूसरी जगह जा तो नहीं सकते, लेकिन उनमें भी मूवमेंट होती है. जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं ये मूव नहीं कर सकती. इनको मूव करने के लिए इन पर फोर्स लगाना पड़ती है. जैसे साइकिल है, उसको मूव करने के लिए हम उस पर फोर्स लगाते हैं. कोई भी ब्लॉक है, बॉक्स है, उसे मूव करने के लिए हमें उस पर फोर्स लगाना पड़ता. सो आफ्टर रीडिंग गेट रेडी फॉर सम क्वेश्चंस. तो स्टूडेंट्स, कुछ एक्टिविटी हैं जो आपने परफॉर्म करनी है. सो फर्स्ट एक्टिविटी क्या है? फिल इन द ब्लैंक एंड टेक द करेक्ट ऑप्शन. इसमें आपने क्या करना है? इस एक्टिविटी को आपने बुक पे कंप्लीट करना है. सो फर्स्ट वन इज फिल इन द ब्लैंक्स. सेकेंड वन इज टिक द करेक्ट आंसर. सो ब्लैंक क्या है स्टूडेंट्स? डैश थिंग्स मूव ऑन देयर ओन. कौन सी चीजें जो खुद से मूव करती हैं अपनी मर्जी से. नेक्स्ट है टिक द करेक्ट आंसर. प्लांट डू नॉट शो मूवमेंट. जो पौधे होते हैं इनमें मूवमेंट नहीं होती है. जो पौधे होते हैं इनकी मूवमेंट्स नजर नहीं आती. तो सोल्यूशन दिया गया है. ब्लैंक में क्या आएगा? लिविंग. और नेक्स्ट जो प्लांट डू नॉट शो मूवमेंट, तो ये सही है कि इनकी जो मूवमेंट्स हैं ये दिखाई नहीं देती. होती हैं बट इतनी प्रोमिनेंट नहीं होती कि हम उसे आसानी देख सकें. सो नेक्स्ट है मेमोराइज दीज आंसर्स ऑफ क्वेश्चंस. कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आपने आंसर जो है वो नोटबुक पे लिखने और उन्हें याद करना है. सो फर्स्ट क्वेश्चन है डू लिविंग थिंग्स मूव ऑन दे ऑन. क्या जो लिविंग थिंग्स हैं वो अपनी मर्जी से मूव कर सकती हैं? And answer is yes, living things move on their own. For example, man, fish, sparrow and snake move on their own. Next question is, how can non-living things move? Because the non-living things hain, wo kaise move kar sakti hain? So non-living things cannot move on their own. We use some force to move them. Ki hame un pe force lagana padti hai unko move karne ke. सो ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर. होपफुली आपको समझ आई होगी. नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर से मुलाकात होगी. तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.